नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा, और चलिए शुरुआत करते हैं गांव जाने की खबरों की। चलिए शुरुआत करेंगे राजसमंद के कांकरोली से, जहां पर थाना क्षेत्र के चौमुखा महादेव मंदिर के पास भील मगरी पर कल देर रात को दो समुदायों में मामूली कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के चार युवकों की चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित लोगों ने एक मकान पर पत्थरबाजी की और सलूस रोड पर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना पर एएसपी मनीष त्रिपाठी और कांकरोली थानाधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद अल सुबह पुलिस ने चार में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के आमेट में मादा पैंथर का शव मिला। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं मौत का कारण बीमार होना बताया गया। मौके पर वनपाल सहित कर्मचारी मौजूद खेत में शव पड़ा मिला। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के नींदड़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने नींदड़ गांव के दो युवकों पर 8 साल से देह शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के साथ दर्जनों लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने घर में घुसकर पति और जेठानी से भी मारपीट की। हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के छोटे से गांव ढंडेला में जन्म त्रिलोक माइन कास्ट कला में निपुण है, लेकिन प्रचार प्रसार और उचित मार्गदर्शन के अभाव में कलाकार गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं हाथों में हुनर और बेहतरीन कला होने के बावजूद ये कलाकार 2 जून की रोजी रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाता है। अलवर के नीमराणा में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चार लुटेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर ज्वेलर की दुकान के अंदर आते हैं और आते ही पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इस घटना के बाद कस्बे में भय का माहौल बन गया है। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित की है और दबिश दी, लेकिन अभी तक लुटेरे पकड़ से बाहर है। अजमेर के ब्यावर शहर के कासाबान मोहल्ले में देर रात कुछ युवकों के बीच हुए विवाद के बाद एकाएक माहौल गर्मा गया, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर कासाबान मोहल्ला और अंबेडकर बस्ती के लोगों की ओर से आपस में जमकर पथराव किया गया, जिसके कारण आरएसी के जवानों सहित करीब 6 लोगों को चोटें आई हैं। करौली के हिंडौन सिटी में एक ही दिन में 2 हादसों में 3 युवकों की मौत और एक गंभीर घायल हो गया। जिले के इंडौन सिटी उपखंड में सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक और हादसा बाइक फिसलने से हुआ, जिसमें बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसको जयपुर रेफर किया गया है। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गाँव के ईट भट्टा से 3 फरवरी को दिल्ली से आई नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर एराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर टीम ने 25 दलित परिवारों के बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया था, लेकिन भट्टा संचालक सत्येंद्र परमार ने एक दर्जन गुंडों के साथ टीम सहित दलित परिवारों के पुरुष, महिला और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। झुंझुनू के खेतड़ी जसरापुर गांव में जहरीली वस्तु खाने से 17 गायों की मौत हो गई। सूचना पर डीवाईएसपी वीरेंद्र सिंह ने डॉक्टर्स की टीम को मौके पर बुलाकर गायों का पोस्टमार्टम भी करवाया। पुलिस के मुताबिक खेतों में हरे चारे में केमिकल छिड़का हुआ था, वहीं पानी में भी कीटनाशक दवाई थी, जिसके खाने और पीने से 9 गायों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के सुवाणा गांव में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। यहां पर एक महिला की मौत होने पर ग्रामीणों ने शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया। जानकारी के मुताबिक सोहनी देवी जाट ने अपनी पति की मौत के बाद नारायण लाल बलाई से प्रेम विवाह कर लिया था, इसके चलते ग्रामीणों ने उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया था। झालावाड़ के सीधरा गांव के सरकारी स्कूल में एक छात्र को बैल बजाना उस वक्त भारी पड़ गया, जब शिक्षक ने 8वीं कक्षा के छात्र आदित्य जैन की जमकर धुलाई कर दी। दरअसल शिक्षक भुवनेश मीणा अन्य छात्रों के साथ क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे। छात्र के बैल बजाने से शिक्षक इतना गुस्सा हो गए कि छात्र की पिटाई कर दी और उसे प्रधानाध्यापक कक्ष में बिठा दिया। करौली जिले के मासरपुर तहसील के सरपंच संतोष मल्होत्रा द्वारा निःशुल्क दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण के नाम से लाखों की धांधली का मामला सामने आया है, जिसका लोगों ने विरोध किया। लोगों ने सरपंच संतोष मल्होत्रा पर सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सरपंच करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है। झुंझुनू के बिसाऊ अमान परिवर्तन होने के बाद चूरू सीकर के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन का इंजन 18 घंटे सीकर चूरू में बेकार खड़े रहकर रोजाना 360 लीटर डीजल पी रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे को जितना खर्च इस ट्रेन को चलाने पर हो रहा है, उसका 50% खर्च इस ट्रेन के सीकर चूरू में 18 घंटे खड़े रहने वाले इंजन पर हो रहा है। अजमेर के पुष्कर में राजनेता और न्याय के दर से निराश होकर करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आखिरकार जगत पिता ब्रह्मा के दर पर पहुंचे। कालवी ने कहा कि हमने फिल्म पद्मावत पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री को छोड़ सभी से गुहार लगाई,
विरोध भी जता दिया, लेकिन कुछ भी नहीं होने से अब सिर्फ भगवान से ही न्याय की उम्मीद है। अजमेर के पीसागंज में पल्स पोलियो अभियान के तहत ब्लॉक अंतर्गत 252 बूथों पर 56% नौ निहालों को खुराक पिलाई गई। बीसीएमओ डॉक्टर घनश्याम मोयल के अनुसार 56,712 लक्ष्य में से 31,175 नौ निहालों को दवा पिलाई गई। अब दो दिन डोर टू डोर जाकर वंचित बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। कोटा के इटावा में नगर पालिका पर अंतक अधिशासी अधिकारी भाग्यराज पांचाल ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ इटावा पालिका से नरपत सिंह राजपुरोहित को जयपुर मुख्यालय पर लगाने के बाद से ईओ का पद रिक्त चल रहा था। अंता पालिका के ईओ भागीरथ पांचाल को इटावा का कार्यभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने रामदेवरा पहुंचकर लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। दर्शन कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने रामदेवरा पोकरण सड़क मार्ग पर निर्मित बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित चित्रमाला पैनोरमा का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। बाबा रामदेव के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उन्होंने वहां पर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर जन समस्याएं सुनी और पैनोरमा के विकास के लिए उनकी राय ली। भरतपुर के वैर में एसबीआई के एटीएम से कई लोगों ने नकदी निकाली, जिससे बैंक प्रशासन की लापरवाही के रखे कटे फटे और रंग में बिगड़े हुए और टेप से चिपके नोट निकले। भरतपुर के बैर में गांव खैरा के जंगलों में वन विभाग की टीम ने एक पागल जर्क को पकड़ा। इसका पशु चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया गया, जहां से उसे भरतपुर ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक पागल जर्क गांव में आ गया, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत रहे, जिसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने गाँव में जाकर पागल जर्क को पकड़ लिया। सिरोही के आबू रोड में ग्रामीण युवा केंद्र योजनाओं के अंतर्गत पंचायत समिति स्तरीय जनजाति खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत ग्रामीण युवा महोत्सव का समापन हुआ। दानवाव स्थित जनजाति छात्रावास में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय गोठवाल और अजयवाला के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इसमें अलग अलग पंचायतों में आए प्रतिभावान खिलाड़ी, छात्र और उनके कोच को अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ के खानपुर में बकाने क्षेत्र में पूर्व विधायक अनिल जैन ने जनसंवाद कार्यक्रम कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने इस मौके पर ग्राम पंचायत मोड़ी बरखेड़ा कला थोबड़िया कला का दौरा किया। इसी के साथ मौके पर ही बिजली विभाग के कर्मचारियों के बिजली संबंधी समस्याओं के लिए अवगत कराया गया। पंचायतों में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर सीईओ जिला परिषद से चर्चा की गई। भीलवाड़ा के रायला में कृषि एवं पशुधन पर आजीविका कार्यक्रम पर किसानों का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि अजोला घास भी पशु के लिए वरदान से कम नहीं है। इससे पशुपालक कम खर्चे में पशु आहार की मात्रा कम कर दूध की फैट एवं दूध की मात्रा बढ़ा सकता है। भीलवाड़ा के रायला में रामपुरिया गांव के चार भुजानाथ मंदिर में आयोजित भागवत कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर कथावाचक कृष्ण किंकर महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा के चौथे दिन पूतना वध, माखन चोरी, चीरहरण, गोवर्धन धारण, रासलीला की झांकियां भी दर्शाई गई। भीलवाड़ा के रायला में सरेरी बांध के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने ग्राम में 5 वर्ष तक के नौ निहालों को पोलियो की खुराक पिलाई। टीम ने घर घर जाकर बच्चों को ये खुराक पिलाई। यहाँ पर कई ग्रामीणों ने भी सहयोग दिया। चलिए खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में। आगे बढ़ेंगे जयपुर के पावटा की खबर के साथ, जहां एक निजी मैरिज गार्डन में सर्वस्वामी समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान करीब 500 मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता रोहिताश्व स्वामी रहे, वहीं अध्यक्षता आरएएस अधिकारी सेवाराम स्वामी ने की। प्रतापगढ़ के अरनौद क्षेत्र के सालमगढ़ थाना अधिकारी रतन सिंह चौहान का उदयपुर ट्रांसफर होने पर विदाई दी गई। यहां पर स्थानीय लोग, पुलिस थाना स्टाफ और
सीएलजी सदस्यों ने उन्हें आत्मीयता से विदाई दी। विदाई समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, डीवाईएसपी जगराम मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के पावटा में पल्स पोलियो महाअभियान के तहत क्षेत्र के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष वर्मा और रवि जांगिड़ ने बताया कि गांव कुनेड़ खेलना ललना में 1622 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पाली के देसुरी कस्बे के करामाती दरगाह शरीफ शहीद बादशाह वली बाबा के स्थान पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। कस्बे में श्री सीताराम धर्म प्रसार मंडल काशी से महंत माधव दास के साथ कथावाचक मंडल के करीब दर्जन भर पंडितों ने स्थानीय जामा मस्जिद के मौलाना अयूब अशरफी के नेतृत्व में अकीदत के साथ चादर चढ़ाई। चित्तौड़गढ़ के कपासर में मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी भूपाल सागर से बिहार कर कपासर अम्बेश भवन पधारे, जिसके बाद मुनिश्री ने प्रवचन में बताया कि श्रद्धा जहां होती है वहां पर सब चीजें अपने आप सरल हो जाती है। श्रद्धा के साथ ही जो प्रवेश होता है वो हमेशा हमेशा के लिए मंगलकारी होता है। जयपुर के चोमू में रिंगत रोड स्थित वीर हनुमान मार्ग के पास एक बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मार्ग पर जाम लग गया। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस द्वारा कार के साइड दबाने को लेकर कार की टक्कर हो गई, जिससे दोनों ही वाहन चालक अपने वाहनों को रास्ते में खड़ा कर झगड़ने लग गए। जाम की सूचना लगते ही चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क के एक तरफ करवा कर यातायात सुचारू करवाया। नागौर के डेगाना में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए पथ प्रदर्शक कार्यालय का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राधाकिशन बिंदा की अध्यक्षता में हुआ। वहीं चेयरमैन राधाकिशन बिंदा ने बताया कि आज सरकार जनता के लिए योजनाएं तो बहुत बनाती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में उन योजनाओं की जानकारी और लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आम आदमी को जगह जगह भटकना पड़ता है। लेकिन अब शहर में पथ प्रदर्शक कार्यालय खुलने से आम लोगों को यहां पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अन्नपूर्णा रसोई का पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने फीता काट कर शुभारंभ किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से मजदूर वर्ग सहित जरूरतमंदों को सस्ता और अच्छा खाना उपलब्ध होगा। मौके पर मौजूद कई जनप्रतिनिधियों और लोगों ने भोजन किया। उदयपुर के झाड़ोल में तिरंगा यात्रा में शहीद हुए चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि दी गई। झाड़ोल बस स्टैंड पर बजरंग दल और एवीवीपी सहित अन्य हिंदू संगठनों ने भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मोमबत्ती और दीपक जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। उदयपुर के झाड़ोल में पंडित जीवंत राम शर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। झाड़ोल के राजस्थान बाल कल्याण समिति के परिसर में कार्यक्रम रखा गया था। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड से आए अधिकारियों सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। पाली की रानी में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पानी के टैंकरों को बरामद किया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। नागौर के पर्वतसर में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन समिति के संयोजक और समाजसेवी अन्ना हजारे ने पर्वतसर क्षेत्र के समाजसेवी विक्रम सिंह टापरवाड़ा को राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। जयपुर के सामर लेक में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। वहीं भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ध्वज प्रणाम प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रार्थना कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संघ प्रचार में सदैव संघ के मार्ग पर चलते रहने के मूल मंत्र की जानकारी दी। जयपुर के दूदू में टंटोली गांव में स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वच्छता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रांगण पहुंचे। विद्यार्थियों ने स्वच्छता संबंधी लिखी तख्तियों के माध्यम से स्वच्छता और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कोटा के टावर नगर में आरएसएस ने विशाल पथ संचलन निकाला, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन घोष था पर स्टेडियम प्रांगण से आरंभ होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए निकला, जहां जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पथ संचलन के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस जवान और पुलिस विभाग के अधिकारी भी पैदल मार्च करते हुए नजर आए। भरतपुर के रुदावल उप तहसील क्षेत्र के गांव बंसी पहाड़पुर में रॉयल्टी वसूली को लेकर खनन व्यापारी और मजदूरों ने क्षेत्रीय विधायक बच्चू सिंह वंशीवाल के नेतृत्व में विरोध प्रकट किया। एक दर्जन गांवों की हुई इस पंचायत में खननकर्ताओं ने बताया कि रॉयल्टी वसूल करने वाली कंपनी मनमर्जी से रॉयल्टी राशि बढ़ाकर वसूल कर रही है। विधायक ने बताया कि पंचायत में सभी खननकर्ताओं ने रॉयल्टी वसूली नियम के अनुसार नहीं किए जाने पर पत्थर परिवहन नहीं करने का निर्णय लिया है।
सिरोही के शिवगंज में भारतीय किसान संघ की बैठक जागनाथ महादेव मंदिर परिसर में हुई। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान 54 बार रक्तदान करने पर समाजसेवी की भूमिका निभाने वाले मनोज अग्रवाल का सम्मान किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के ग्राम कपूरिया सहित अन्य गांवों में बिजली के 12 घरेलू कनेक्शन और 7 कृषि कनेक्शन काट दिए गए। ये सभी अपने घरों में पोल से डायरेक्ट केबल लगाकर विद्युत चोरी करते हुए पाए गए। इन सभी पर जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर मुकदमा किया जाएगा। अजमेर के मसूदा में बेगली आवास में आरएसएस ने पथ संचलन निकाला, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा। इस दौरान स्वयंसेवकों ने विराट अनुशासन का परिचय दिया। संचलन के बाद विभाग कार्यवाहक मुकेश कलवार ने सामाजिक समरसता को लेकर बौद्धिक दिया, जिसमें परंपरागत सामाजिक समरसता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अजमेर के मसूदा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है, इसके बावजूद माइनिंग विभाग और अन्य प्रशासनिक अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। हिंदू क्रांति सेना के तहसील प्रभारी और जिला प्रतिनिधि रमेश चंद्र गुर्जर की अगुवाई में सेना के पदाधिकारियों ने रात को बजरी से भरे एक डंपर को पकड़ा और पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। जालौर के चीतलवाना में बाढ़ के बाद से ही नेहर क्षेत्र के हालात खराब हैं। 6 महीने गुजरने के बाद भी जलदाय विभाग की ओर से चीतलवाना क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट दूर करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं जलदाय विभाग ने कई गांवों में पेयजल संकट दूर करने के लिए टैंकर लगाने की कवायद की, लेकिन दर कम होने से किसी ने भी रुचि नहीं ली। अभी ग्रामीण महंगे दाम पर टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। पाली के रायपुर मारवाड़ में बन रहे एनिकट का पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया। यहां पर खेत पर बिछा रखी पाइपलाइन तोड़ दी गई थी। कोटा के रामगंज मंडी में सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव इंडिया ने ढाबादेह से झालावाड़ तक जन जागृति वाहन रैली निकाली। रैली ढाबादेह से मोड़क खैराबाद रामगंज मंडी सातलखेड़ी सुकेत होते हुए झालावाड़ के लिए रवाना हो गई। रैली के मार्गों में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। रैली के स्थानों पर फूलों से स्वागत किया गया। सिरोही के शिवगंज में जनजाति आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में आदिवासी समुदाय में 5% अलग से आरक्षण देने, मीना बटालियन की पुनः स्थापना जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को पत्र सौंपा गया। चूरू के सरदार शहर में किसान संसद को लेकर किसान सभा ने विभिन्न गांवों में सभा, जयपुर जाने का संकल्प, कर्ज माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के गाँवों में सभा की। किसान संसद का आयोजन कर 22 फरवरी को होने वाले जयपुर में विधानसभा के घेराव आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया गया। प्रदेश के किसान जयपुर में महारैली करेंगे। चलिए खबर पंचायत में यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर अजमेर के अराई से, जहां पर पल्स पोलियो अभियान के तहत कल वंचित रहे बच्चों को आज भी घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक सीएमएचओ अनुज पिंगोलिया ने बरोल, डबरेला, बोराड़ा समेत आसपास के गांवों में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। कुछ बच्चों को पल्स पोलियो की दवा भी पिलाई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हुडा में ब्लॉक स्तरीय गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रा कृष्णा चौधरी को पद्माक्षी पुरस्कार के तहत 40,000 रूपए की सहयोग राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के फलौदी में बाप के जांबा में जम्भेश्वर मंदिर के पास बने सरोवर तालाब के विष्णोई समाज के लोगों ने अभियान चलाकर साफ सफाई की। यहाँ तालाब के आसपास बबूल की झाड़ियों सहित कचरा हटाकर अभियान चलाया गया। अभियान में हजारों लोगों ने श्रमदान किया। पाली के सोजत शहर के दिल्ली दरवाजा रोड स्थित हजरत नूर शाह मस्तान शाह बाबा दरगाह परिसर में मुस्लिम समाज का 4th जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र के अक्षय स्मारक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेड़ा में गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत गादोला के गांव बरडा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक दिवसीय बाल मेला आयोजित किया गया।
इसमें ब्लॉक क्षेत्र के 15 विद्यालयों के 350 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसडीएम चंपालाल जिंदर के मुख्य अतिथि में मेले का समापन हुआ। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जयपुर के चोमू उपखंड के सामोद थाना क्षेत्र के दो अलग अलग इलाकों में दो घटनाएं हुई, जिनमें दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से चोमू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में बाइक फिसलने से इस पर सवार दो जने घायल हो गए। यह हादसा शाहपुरा मार्ग पर पुलिया पर हुआ। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन 85 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई गई, जहां पर 17,953 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अब अभियान के दूसरे दिन शेष रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जा रही है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में ब्लॉक स्तरीय गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। अक्षय स्मारक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच पराक्रम सिंह के मुख्य अतिथि में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 73 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पाली की रानी में केरली गांव में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह मूलाराम चौधरी के द्वारा बनने वाले विद्यालय में कक्षा कक्ष का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर रानी उपप्रधान किशोर सिंह पिलोवनी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दान करने वाला दानदाता सबसे बड़ा भामाशाह होता है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हुई आरडीसी परेड में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की अमन पूजा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कस्बेवासियों ने उसे फूलमालाओं से लाद दिया। स्टेशन पर माता पिता से उसे गले लगाकर तिलक किया और मुंह मीठा करवाया। पूरे भारत से 44 एनसीसी कैडेट्स ने इस परेड में हिस्सा लिया था। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुखदेव सिंह बराड ने आज गांव तख्त हजारा में किसान एवं मजदूर वर्ग से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। किसानों ने नहरी पानी एवं आवारा पशुओं की समस्याओं को बड़ी समस्या बताया और इनके समाधान की मांग की। बराड ने कहा कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर आवाज उठाएंगे। दौसा के सीकराय में नागल चापा ग्राम पंचायत के राजकीय आदर्श बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर अध्यापकों के रोज देरी से आने का विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए मौके पर स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में नानी बाईरो मायरो कथा का 3 दिवसीय कार्यक्रम कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। यहां उमाणियों की ढाणी स्थित नवनिर्मित वीर बिग्गा जी महाराज और पीथल माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और नानी बाईरो मायरो कथा का आयोजन 7 फरवरी तक होगा। अजमेर के अराई में देवनारायण भगवान का मंदिर बनाने को लेकर गुर्जर समाज की बैठक हुई। इसमें समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए धनराशि एकत्रित करने का और शीघ्र मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया। कोटा के रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर कोटा से बड़ौदा जाने वाली पार्सल ट्रेन में एक महिला 1 साल के बच्चे को लावारिस छोड़कर ट्रेन से उतर गई। खैराबाद निवासी शाहिद ने जब ये माजरा देखा तो ट्रेन की चेन खींचकर रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद रेलवे पुलिस पूछताछ के लिए महिला और बच्चे को रेलवे थाने ले गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र के किसानों की फसलों पर इन दिनों एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले 2-3 दिन से मौसमी मंत्र में आए बदलाव से किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं। पिछले 2-3 दिन से तेज हवाएं चलने के साथ ही आसमान में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है, जिसको आने वाले दिनों में बेमौसमी बरसात हो सकती है। चूरू के सादुलपुर में भूवाड़ी पंचायत के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की सभा हुई। यहां पर किसानों ने 12 फरवरी को उपखंड कार्यालय राजगढ़ में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। भरतपुर के भुसावर में गांव हथौड़ी में ग्रामीणों की सर्वजातीय महापंचायत हुई, जिसमें गांव में शराब बिक्री और सेवन पर रोक लगाने और पहाड़ी क्षेत्र में वन संपदा की कटाई रोकने का फैसला लिया गया। साथ ही अवैध रूप से शराब बेचने और सेवन करने वाले और वन क्षेत्र में पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। दौसा के सीकराय के मुरलीपुर गांव में शिव मंदिर निर्माण को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पटेल चौक पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने फूल बरसाकर कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। भागवताचार्य को घोड़ी पर बैठाकर कस्बे में स्वागत किया गया। जोधपुर के बाप में विष्णुयोग की ढाणी राजीव नगर बरजासर में स्वामी भागीरथ दास शास्त्री के सानिध्य में जम्भवाणी हरिकथा का आयोजन हो रहा है। यह कथावाचक कृपाचार्य महाराज ने बताया कि गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार में है। उन्होंने दया और धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार धारण किया था। जोधपुर के फलौदी के ढडू ग्राम पंचायत स्थित जांगू की ढाणियों में आवारा कुत्तों ने एक हिरण पर हमला बोल दिया। इसके बाद गंभीर घायल हिरण की लोगों ने रेस्क्यू सेंटर फलौदी को सूचना दी, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण को प्राथमिक उपचार के बाद फलौदी ले जाया गया।
राजसमंद के देवगढ़ ग्राम पंचायत दिवेर में पुलिस थाने के सामने ई मित्र सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। ये केंद्र कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष देवगढ़ के बड़े भाई कैलाश चंद्र सालवी द्वारा संचालित है। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं यहां पर करीब 100 से भी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राजसमंद के देवगढ़ में एक दिव्यांग व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसकी पुश्तैनी जमीन और मकान उसके अपने चचेरे भाई ने हथिया लिया है, जिससे वो बेघर होकर सार्वजनिक भवन में रात गुजारने को मजबूर है। दिव्यांग पूनम सिंह ने बताया कि कई बार पंचायत के चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अंत्योदय राशन कार्ड बताते हुए उसने बताया कि इससे गेहूं मिलता है, वहीं कई बार आसपास के लोग खाना देते हैं। राजसमंद के देवगढ़ में लसानी नदी से अवैध रूप से बजरी का दोहन जोर शोर से जारी है, फिर भी प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। जोधपुर के फरौदी में आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। संजय नगर कॉलोनी में आयोजित चिकित्सा परामर्श शिविर में 212 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। चलिए खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, के बाद चल लौटेंगे।